गाइस वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। जैसे कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो स्टिकर अमेजोन से परचेस किए थे, मतलब जो ये वाले स्टिकर है वो, और इसका हॉल वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लेना। उस पर मैंने अमेजोन से कुछ चीज़ें परचेस की थी, डेकोर आइटम परचेस किए थे, वही हॉल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें एक ये भी था। अभी हम इसे इंस्टॉल से स्टिक करने वाले हैं, तो इसे स्टिक कैसे किया जाता है तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर बहुत से लोगों को परचेस तो कर लेते हैं बट इसे स्टिक करना नहीं आता है, तो इसी वजह से मैं आपको स्टिक करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से स्टिक करते हैं। और मेरे पीछे आप वॉल देख सकते हो, ये वाली सीढ़िया है और इसके पीछे जो वॉल है जिसपे अद्विक के फोटो लगाए हुए हैं, तो वही फ्रेम निकाल के हम लोग वहां पर इस तरह से ये जो स्टिकर है वो चिपकाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से पैक होके आते हैं और अभी इसे मैंने निकाल दिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको एक एक करके। तो यही आपको स्टिक करना होता है आपके वॉल पे, तो ये इजीली स्टिक हो जाते हैं। और इस पे जो है वो प्लास्टिक का कवर होता है, मतलब शीट जैसा, तो वो भी निकालना होता है और आपको, और ये भी इसके पीछे जो है उसे स्टिक करने के लिए गम दिया होता है, तो ये भी अगर आप स्टिकर निकालोगे तो यहाँ से ये स्टिक होगा। और फिनिशिंग आने के लिए अगर आपको शाइन आपको नहीं दिखाई दे रही होगी इतनी अच्छे से, तो इस पर स्टिकर है, मतलब इसे पतला सा ऐसे पॉलिथीन का, तो वो भी आपको निकालना होता है। तो आप देख ही लोगे, मैं स्टिक करते हुए आपको दिखाई दूंगी। तो चलिए अभी स्टिक करते हैं। हे गाइस, यहाँ पर हम लोग अभी स्टिक करने वाले हैं, तो स्टिकर स्टिक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो नीचे का वो निकालना पड़ता है उसके पीछे का, और फिर स्टिक करना होता है, तो इस तरह से आपको प्रेस करना होता है। आप इसका देख लीजिए, पहले मेजरमेंट ले रहा है वो, और यहाँ पर है श्रीकांत, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, भाई आ गया था, तो उसको ही मैंने बोला कि चलो आप भी स्टिक करने में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि आपने अगर मेरा टीवी के कॉर्नर वाला जो स्टिकर है वो देखा है, तो वो भी हम दोनों ने मिल के ही स्टिक किया है, तो इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है ऐसे स्टिकर स्टिक करने की। तो इस तरह से पहले वो मेजरमेंट ले रहा है क्योंकि ज़्यादा इधर उधर ना हो जाए, और हम लोग रैंडमली ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये साइज़ का लेना है वो साइज़ का लेना है, तो इसी तरह से हम लोग रैंडमली ले रहे हैं और रैंडमली हम लोग लगा रहे हैं ऐसे ही। तो आप देख सकते हो मेजरमेंट ऐसे ही ले रहा है वो, सिर्फ डिस्टेंस आपको देखना है कि डिस्टेंस इधर उधर ना जाए, मतलब डिस्टेंस में ज़्यादा वो ना हो, मतलब इधर उधर डिस्टेंस ना हो, तो इसी वजह से वो वैसे ही देख रहा है। और ना वो स्टिकर में एक साइड से बड़ा और एक साइड से पतला वाला आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, तो दो साइड उसकी पतली है और दो साइड उसकी मोटी है, तो इस तरह से है। और उसके बीच बीच में वैसे प्लेन वाले छोटे छोटे आए थे, तो वो भी हमने बीच बीच में चिपका दिए। और आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है उसे, नहीं तो अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो निकलने का डर रहता है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो वो कितना ज़्यादा प्रेस कर रहा है, तो इस तरह से आपको प्रेस करना होता है, और इस तरह से पीछे का स्टिकर निकालना होता है और देन आपको प्रेस करना होता है। और बस सीधे सीधे नहीं लगाना होता है, जहाँ पर भी आपको दिख गया वहाँ पर लगाना होता है उसे। और देखिए, कभी बड़ा कभी छोटा, कहीं एकदम छोटा, और बीच बीच में हम लोग ये वाले भी प्लेन वाले भी लगा रहे हैं। और जो क्या बोलते हैं, छोटी पतली साइड है वो हम लोग अंदर की साइड से ले रहे हैं, और जो मोटी साइड है हम लोग बाहर की साइड से ले रहे हैं, तो इस तरह से वो अच्छा दिखेगा इसी वजह से। और आप देख सकते हो गैप गैप बिल्कुल गैप में बहुत ही ध्यान दिया है उसने, क्योंकि आप देख सकते हो गैप कितने अच्छे से रखी है, मतलब सेम सेम पूरे गैप रखी है, और गैप में ही आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप अगर गैप इधर उधर करोगे तो वो इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। और हमें सीढ़ियाँ जैसे जाती है ऊपर वैसे ही हमें लगाना था, तो इसी वजह से हमने वही पैटर्न लिया। और आप देख सकते हो इसी तरह से हम लोग लगा रहे हैं उसे, और थोड़ा कैमरा शेक हो रहा था क्योंकि मैं ऊपर ऊपर जा रही थी, क्योंकि ये लगा रहा था तो मैं ऊपर जा रही थी और मैं शूट कर रही थी उस टाइम, और उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और देखो अद्विक भी बीच बीच में आ रहा है इधर, तो इसी वजह से थोड़ा उसको भी देखना था, तो इसी वजह से कैमरा शेक हो रहा है। और आप देख सकते हो नीचे का लठा पड़ा है,
बस ऐसे ही आपको स्टिक करना है और इसी तरह से आपको लगाना है। मैंने कट इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि एक एक चीज़ हमने कहाँ कहाँ लगाई है। अगर आपको सेम पैटर्न में लगाना हो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी इसी वजह से। तो ऐसे ही हमने लगाया है, और जो नीचे लगाया था तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे दिख रहा था, जो आपने देखा नीचे लगाया हुआ, तो हमने वो निकाल के आगे लगा दिया था। तो आप देख सकते हो निकाल लिया है वो, और अभी यहाँ के ऊपर को जो स्टिकर होता है पॉलिथीन का, वो निकाल रहा है वो, तो उससे शाइनिंग बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप देख सकते हो दोनों में बहुत ज़्यादा शाइन दिख रही है। आप देख सकते हो, ये देखिए अभी वो स्टिकर जैसे ही निकाल रहा है वैसे ही बहुत ज़्यादा शाइन दिखाई दे रही है। क्योंकि ना वो स्टिकर इसीलिए दिया होता है क्योंकि उस पर स्क्रैच ना हो इसीलिए। और गाइज़ आप देख सकते हो ये है फाइनल रिज़ल्ट, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइज़। आपको कैसे लगा ज़रूर बताना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और कम बजट में है। देख लिया कि किस तरह से स्टिकर को स्टिक करना होता है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे की वॉल, पहले मेरे पीछे वाली वॉल कैसे दिखती थी और अभी देखिए कैसे दिख रही है, तो जैसे टोटल लुक ही चेंज हो जाता है वॉल का। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया, आई होप आपको भी पसंद आया हो। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, हॉल वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको ये स्टिकर परचेस करने हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलेगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।